हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस की क्लासेस में आपने जानते हैं, हमने टपल के बारे में पढ़ा था कि टपल क्या होते हैं, टपल्स पे हम किस तरह से इसकी एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, टपल्स के लिए हमें किस तरह के ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, क्या उसमें कॉमास लगाने हैं, और किस तरह से हम एक हमारी वेरिएबल को टपल्स के अंडर में ले सकते हैं, ये आप लोगों ने देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि टपल्स हमारे म्यूटेबल हैं या इम्यूटेबल हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमने उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन और इंडेक्स वैल्यू के थ्रू टपल्स के इंडेक्स नंबर के थ्रू टपल्स की वैल्यूज़ को एक्सेस करना भी हमने देख लिया था। आज हमारा टॉपिक है, हमारे टपल्स में ही पार्ट टू है, टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, पैकिंग यानी किसी को पैक कर देना, है ना। यानी बहुत सारे बिखरे हुए वेरिएबल्स हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा कर देना, टपल टपल पैकिंग में आ जाता है। अनपैकिंग यानी जो आपके एक जगह है वैल्यूज, उन्हें अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करवा देना। सिंपल सा है, समझ ही गए होंगे। देखते क्या लिखा गया है। टपल पैकिंग एंड अनपैकिंग मीन्स इन पैकिंग वी पुट वैल्यूज इनटू अ न्यू टपल, ठीक है। इन पैकिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज होती है उन्हें हम एक न्यू टपल में क्या कर देते हैं, असाइन करवा देते हैं। वाइल इन अनपैकिंग वी एक्सट्रैक्ट दोज वैल्यूज इनटू अ सिंगल वेरिएबल। और अनपैकिंग में हम क्या करते हैं, हमारी जो भी टपल की वैल्यूज होती हैं उन्हें हम एक सिंगल वैल्यूज में, ठीक है, हम एक अलग अलग वैल्यू वेरिएबल्स में क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। सिंपल, समझ गए। पैकिंग में क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल्स का जो वैल्यूज है उन्हें एक वेरिएबल में असाइन करवा रहे हैं। अनपैकिंग में जो एक वेरिएबल में हमने असाइन करवाया, उन्हें अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करवाना, ठीक है। नोट करने वाली बात हमारे पास यहाँ पे ये है कि एट द टाइम ऑफ टपल अनपैकिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड नंबर ऑफ वैल्यू शुड बी सेम। जब आप अनपैकिंग वाले ऑप्शंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आपके जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना, आपके पास मान लीजिए 1, 2, 3, 4, है ना, 4 वैल्यूज है। अब अगर आप इन्हें अनपैकिंग करवाना चाहते हैं, यानी ये एक सिंगल वेरिएबल में, फॉर एग्जाम्पल आर वेरिएबल में है ये, अब अगर आप इन्हें अनपैकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको इन 4 एलिमेंट्स के लिए 4 ही वेरिएबल्स क्या करने होंगे, लेने होंगे। तो ये यही बता रहा है कि अनपैकिंग के टाइम जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो आपको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सेम रखने हैं। नेक्स्ट आता है, अदरवाइज वी विल गेट वैल्यू एरर मैसेज। अगर हम सेम नहीं रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू एरर मैसेज हमें मिलता है। चलिए इस पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं हमारा। आई होप इसकी थ्योरी तो आपको सिंपल वे में समझ में आ गई होगी। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने पास एक वेरिएबल है ए नाम का, ठीक है, और इसमें हमने वैल्यू असाइन करवाई हमारी इंटीजर, ठीक है। एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें हमने वेरिएबल असाइन करवाया हमारा फ्लोट टाइप का। एक सी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसमें हम करवा लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। हेलो यहाँ पे हम वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। एक डी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। ये अब क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि अलग अलग वेरिएबल्स लिए हमने और उनके लिए उनमें अलग अलग वैल्यूज हमने असाइन करवाई है। अब टपल पैकिंग में मैंने क्या कहा था कि जो भी हमारे अलग अलग वेरिएबल्स और उनकी वैल्यूज है उसे हम एक सिंगल वेरिएबल में टपल वेरिएबल टपल्स के अंदर क्या करवा देते हैं, असाइन करवा देते हैं। अब इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, एक न्यू वेरिएबल बनाना होगा। आप टीपीएल या कुछ भी अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल ले सकते हैं और उसमें क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स लगाया हमने। और आप जानते हैं टपल्स के लिए हम कौन से ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, हमारे इन ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए लिखना है, फर्स्ट वेरिएबल का नेम लिख लिया हमने, कॉमा लगाया, बी का लिख लिया, ठीक है, सी का लिख लिया एंड डी का लिख लिया, ठीक है। हमने क्या करवा दिया, जो भी हमारे राइट हैंड साइड की वैल्यूज थी और जिस वेरिएबल में थी वो हमने इस न्यू वेरिएबल में क्या करवा दी, असाइन करवा दी, ठीक है। पहले अगर हम ए को प्रिंट करवा के देखते तो हमें 10 मिलता, 50, और बी को प्रिंट करा तो 15.62 मिलता, सी को प्रिंट करवाते तो हेलो मिलता, ठीक है। अब ये सब क्या करवा दिया हमने, इसमें असाइन करवा दिया। और अगर हम टप्पल को प्रिंट करवाते हैं ना, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है उसे प्रिंट करवाते हैं, तो देखिए उसमें क्या आ गया, जो भी यहाँ पे हमने अलग अलग वेरिएबल्स में जो वैल्यूज ली थी वो हमारी इस वेरिएबल में आ गई, ठीक है। तो ये होता है हमारा टप्पल का
पैकिंग ऑप्शन, ठीक है, हमने अलग अलग वेरिएबल्स को क्या करवा दिया, एक सिंगल वेरिएबल में असाइन करवा दिया। अब अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये क्या, ये सभी क्या है, इस वेरिएबल में है ना, अब इन सभी को आप अलग अलग वेरिएबल में असाइन करवाना चाहते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपके अनपैकिंग के अंडर में आ जाएगा। अनपैकिंग के लिए बहुत ही सिंपल है, जैसे आपका यहाँ पे ये डिटेल्स लिखी गई है ना, अब क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए हम एक न्यू वेरिएबल लेके आपको बताते हैं। एक हमने वेरिएबल वापस ले लिया टप्पल नाम का, और इसमें हम कुछ और स्टोर करवाते हैं, ठीक है, या तो ब्रैकेट्स या फिर, वैसे तो हम इसको भी लेके देख सकते हैं, हम ये टप्पल हमने ले ही रखा है। अब हमें क्या करवाना है, ये जो टप्पल की वेरिएबल्स हैं है ना, अभी मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था कि टप्पल्स में जितनी वैल्यूज हैं उतने ही आपको वेरिएबल लेने होंगे। अब हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 वैल्यूज है, तो हमें कितने लेंगे लेने होंगे, 4 ही हमारे वेरिएबल्स लेने होंगे। तो अब हम यहाँ पे न्यू वेरिएबल ले लेते हैं कि सबसे पहले किस में आ जाए, एल नाम के वेरिएबल में आ जाए, ठीक है, फिर हमने लगा दिया कॉमा, फिर ओ नाम के वेरिएबल में आ जाए, फिर हमने कॉमा लगा दिया, फिर पी नाम के वेरिएबल में आ जाए थर्ड हमारा वैल्यू, फिर हमने कॉमा लगा दिया, फिर एच नाम के वेरिएबल में आ जाए किसकी वैल्यूज, जो कि हमारे इस वेरिएबल के अंडर में है। यानी इस वेरिएबल में अभी हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है, ए में हमारे पास 10 है, बी में हमारे पास ये है, सी में ये है और डी में ये है। अब हमने क्या करवा दिया, टप्पल जो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रही है इन 4 की, यहाँ पे उन वैल्यूज को हम क्या करवा रहे हैं, इन नए न्यू वेरिएबल्स में असाइन करवा रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। अब क्या होगा, सबसे पहले जो 10 है वो L में आ जाएगा, 15.62 है उसकी वैल्यू हमारी O में आ जाएगी, हेलो की हमारे P में आ जाएगी और इसकी हमारे इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब हम L प्रिंट करवा के देखते हैं, देखिए L में क्या प्रिंट हो रहा है, हमारे पास 10 प्रिंट हो रहा है, O को प्रिंट करवाते हैं 15.62 हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम P को प्रिंट करवाते हैं, हेलो प्रिंट हो रहा है, एक हम लास्ट हमारा ये भी प्रिंट करवा लेते हैं, कौन सा है, H, ठीक है। आप इन दोनों तरीके से प्रिंट का ऑप्शन लिख सकते हैं, या तो सिंगल वे में या इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंटर करा 1+2j, हमारा कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमें प्रिंट हो गया। यानी ये क्या करा है, हमने अनपैकिंग करा है। अनपैकिंग कैसे करा, एक ही वेरिएबल्स में बहुत सारी वैल्यूज थी, उन वैल्यूज को हमने क्या करा है, अलग अलग वेरिएबल्स में असाइन करवाया है, ठीक है। यहाँ तो मैंने केवल इस ये जो एग्जांपल दिया था इसी पर अप्लाई करके बता दिया, बट आपको क्या करना होगा, न्यू वैल्यूज एंड वेरिएबल्स लेकर ही इन्हें असाइन करके प्रैक्टिस करनी होगी। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम पैकिंग और अनपैकिंग वाले ऑप्शन पे वर्क करके देख सकते हैं। अब अगर मैंने बताया था कि आपको कितने लेने होंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही वैल्यूज होंगे, उतने ही आपको वेरिएबल्स लेने होंगे, अगर आप इससे ज़्यादा या कम लेते हैं तो आपके पास एरर मिल जाती है ना, तो एरर मिल जाएगी, तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं। देखिए अभी हमने एल ओ पी एच में ये टी पी एल वाली वैल्यूज असाइन करवाई है, हम वो एरर भी पकड़ के देखते हैं कि एरर कैसे होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, वाई में ओ में, ओ हो गया ना हमारा, वाई में आर में और टी में, ठीक है, क्या करवा रहे हैं, TPL की वैल्यू असाइन करवा रहे हैं। अब देखिए अब क्या मिला रहा है, ये हमें एरर मैसेज दे रहा है कि आप जितने वैल्यूज हैं, हमारे पास 4 वैल्यूज है ना, केवल उनका ही उतने ही आप वेरिएबल्स ले सकते हैं, उससे कम लेंगे तो ये क्या दे देगा, आपको एरर मैसेज दे देगा, जो कि यहाँ पे आपको दे रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि टप्पल में पैकिंग एंड अनपैकिंग ऑप्शन क्या होता है, और आई होप आपको सिंपल वे में समझ में भी आया होगा। देखिए और ज़्यादा अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो आप इन पर डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलता है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बरकरार रहिए और वीडियोस देखते रहिए, एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।